व्यूअर्स, आज का ये वीडियो डेडिकेटेड है इंडियन नेशनल आर्मी को, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में जिस सिक्के के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं, उसका सीधा रिलेशन है इंडियन नेशनल आर्मी से। इंडियन आर्मी की शुरुआत हुई आजाद हिंद फौज से 1942 में, जिसके फर्स्ट लीडर थे हमारे फेमस फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड इंडियन कॉइन्स। तो व्यूअर्स, इन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कॉइन्स को देख के आपको भी लग रहा होगा कि ये कॉइन्स आपके पास भी हैं। यस, आई एग्री, आपके पास ये कॉइन्स होंगे और बहुत सारे भी हो सकते हैं, लेकिन इन सिक्कों में से एक सिक्के में कुछ ऐसी खास बात है जो इसको बहुत ही ज्यादा रेयर और यूनिक बनाता है आज की डेट में। तो क्या आप उस सिक्के को आइडेंटिफाई कर पाए? हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और मैं एक्सक्लूसिवली बात करता हूँ इंडियन कॉइन्स यानी कि भारतीय सिक्कों के बारे में, जिन्हें हम देसी भाषा में कहते हैं चिल्लर। सो वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल चिल्लर ज्ञान। तो व्यूअर्स, इस रेयर सुभाष चंद्र बोस कॉइन्स की डिटेल्स में जाने से पहले मैं आपको कॉइन्स की दुनिया का एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट बताना चाहता हूँ एक एग्जांपल के थ्रू। मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं जैसे कि ब्रांडेड क्लोथ्स, तो अगर किसी आउटफिट में कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ जाए तो आप या तो उस आउटफिट को रिजेक्ट कर देते हैं या किसी छोटे नॉन ब्रांडेड शोरूम में लोअर प्राइस पे सेल करते हैं। तो कंक्लूजन यहाँ पे ये है कि किसी प्रोडक्ट में गलती की वजह से उसकी डिमांड भी कम हो जाती है और उसका प्राइस भी आपको कम मिलता है। लेकिन कॉइन्स की दुनिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हिसाब किताब बिल्कुल उल्टा है। गवर्नमेंट मिंट अगर किसी कॉइन को बनाने में कुछ गलती कर देती है तो मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स ये देखा गया है कि कॉइन रेयर भी हो जाता है और वैल्यूएबल भी हो जाता है और इसकी डिमांड भी एकदम बढ़ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, ये सब जानने के लिए वीडियो से जुड़ रही है एंड तक, क्योंकि आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ सुभाष चंद्र बोस का रेयर 2 रुपी एरर कॉइन, जो एक बहुत छोटी सी गलती की वजह से रेयर और वैल्यूएबल हो गया। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। तो बिना किसी देरी के डायरेक्टली जूम करते कॉइन पे और जानते हैं इसकी कंप्लीट डिटेल्स। तो दोस्तों, पिक करते हैं इन सभी सुभाष चंद्र बोस कॉइन्स में से वो रेयर सुभाष चंद्र बोस का सिक्का। तो कैसे बना ये कॉइन रेयर, आइए जानते हैं इसकी कंप्लीट डिटेल्स के साथ। तो व्यूअर्स, नेताजी का जन्म हुआ ईयर 1897 में और नेताजी की 100th बर्थ एनिवर्सरी को कमेमोरेट करने के लिए इशू किए गए ये कॉइन्स। अब यहाँ पे कैलकटा मिंट से गलती क्या हुई, उन्होंने ये कॉइन्स एक ईयर पहले ही रिलीज कर दिए और इन कॉइन्स में डेट मेंशन कर दी 1996। अब कॉइन है 100th बर्थ एनिवर्सरी के लिए और डेट है 1997 की जगह 1996, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 1996। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ी गलती थी कैलकटा मिंट की। अब कुछ लॉट इन कॉइन्स के सर्कुलेशन में आ गए थे और कलेक्टर्स ने गलती आइडेंटिफाई कर ली और जब कैलकटा मिंट को ये रियलाइज हुआ तो उन्होंने फटाफट से कॉइन्स विथड्रॉ करने की कोशिश की मार्केट से, लेकिन फिर भी कुछ कॉइन्स सर्कुलेशन में कलेक्टर्स के पास आ गए थे तो उन्होंने वो कॉइन्स होल्ड पे रख लिए और इस वजह से ये कॉइन्स एकदम वेरी रेयर कैटेगरी में आ गया। तो फिर यहाँ पे रखा है मैंने कॉमन सुभाष चंद्र बोस कॉइन और यहाँ पे है रेयर सुभाष चंद्र बोस कॉइन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ईयर मेंशन है 1997। ये फिर इशू किए गए कॉइन एक साल बाद विद करेक्ट डेट। ये वाले कॉइन्स जो कि 1996 में इशू किए गए थे, ये पीसीस बहुत ही कम अवेलेबल है मार्केट में, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा रेयर हो गए। एज पर माई नॉलेज डेट का इतना मेजर एरर सिर्फ इन्हीं टाइप के कॉइन्स में पाया गया है। तो आइए व्यूअर्स जानते हैं इन कॉइन्स की फिजिकल स्पेसिफिकेशंस। ये कॉइन का ओवर साइड, जिसे हम इजी भाषा में कहते हैं हेड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं किसी रेगुलर 2 रुपी कॉइन की तरह है। यहाँ पे हिंदी में लिखा है भारत रुपये और इंग्लिश में लिखा है इंडिया रुपीस और यहाँ पे डिनोमिनेशन ऑफ द कॉइन और यहाँ पे नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। और ये है रिवर्स साइड ऑफ द कॉइन, यहाँ पे लेफ्ट में लिखा है जन्म शती सुभाष चंद्र बोस और यहाँ पे राइट में इंग्लिश में लिखा है सुभाष चंद्र बोस सेंटिनरी और यहाँ पे है एरर डेट 1996। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सुभाष चंद्र बोस की इमेज है। ये कॉइन बना है कॉपर निकल अलॉय का और इसकी शेप है 11-साइडेड पॉलीगॉन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके 11 एजेस हैं। इस कॉइन का डायमीटर है 26 mm और इसका वेट है 6 grams। और अगर आप इसके एज को देखेंगे तो ये है स्मूथ एज, इसमें कोई सेरेशन नहीं है। तो अगर आप इन दोनों कॉमन कॉइन्स और एरर कॉइन को देखेंगे तो सिर्फ इन कॉइन्स में एक ही डिफरेंस है, वो है डेट का, बाकी ये सारे रिस्पेक्ट्स में सिमिलर हैं। तो व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं कि ये कॉइन्स कौन कौन सी मिंट से इशू किए गए थे।
अगर हम सुभाष चंद्र बोस एरर कॉइन 1996 की बात करें तो ये सिर्फ कैलकटा मिंट से इशू किया गया था। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ईयर के नीचे देर इज नो मिंट मार्क, जिसका मतलब है कैलकटा मिंट। और अगर हम सुभाष चंद्र बोस कॉमन कॉइन्स की बात करें जो इशू किए गए थे 1997 में, ये इशू हुए थे सारे मिंट से, यानी कि हैदराबाद मिंट, बॉम्बे मिंट, कैलकटा मिंट और नोएडा मिंट। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे 3 मिंट के कॉमन कॉइन हैं। ये जो पहला कॉइन है इसमें आप देख सकते हैं ईयर के नीचे द मिंट मार्क इज डायमंड शेप, जिसका मतलब ये बॉम्बे मिंट से इशू किया गया कॉइन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ईयर के नीचे देर इज नो मिंट मार्क, जिसका मतलब ये कैलकटा मिंट से इशू किया गया कॉइन है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे डेट के नीचे है डॉट मिंट मार्क, जिसका मतलब है ये नोएडा मिंट से इशू किया गया कॉइन है। और स्क्रीन पे आप देख सकते हैं हैदराबाद मिंट से इशू किया गया सुभाष चंद्र बोस कॉइन। 1997 में इशू किए गए सुभाष चंद्र बोस कॉइन प्रूफ सेट्स और यूएनसी सेट्स में भी इशू किए गए थे कैलकटा मिंट से। प्रूफ सेट कॉइन्स में थे 100 रुपीज, 50 रुपीज, 10 रुपीज और 2 रुपीज डिनोमिनेशन के कॉइन्स, और यूएनसी सेट में थे 100 रुपीज, 50 रुपीज और 10 रुपीज डिनोमिनेशन के कॉइन्स। तो व्यूअर्स, कैसा लगा आपको ये सुभाष चंद्र बोस का एरर कॉइन और इससे जुड़ी हुई हिस्ट्री? अगर आपके पास भी है बहुत सारे सुभाष चंद्र बोस कॉइन्स तो आप जाके उनको चेक कर सकते हैं, कहीं आपके पास लकली ये एरर कॉइन तो नहीं है। लेकिन मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ कि जब मुझे पता लगा था कि 1996 में इशू किया गया सुभाष चंद्र बोस कॉइन रेयर है, तो उस टाइम मेरे पास 25 से 30 सुभाष चंद्र बोस कॉइन्स थे। तो मैंने सोचा शायद इनमें से 1-2 सिक्के तो रेयर वाले होंगे, लेकिन जब मैंने सारे सिक्कों को चेक किया था तो उनमें से एक भी सिक्का 1996 का नहीं था। तो उस टाइम मुझे समझ आ गया था कि जो रेयर सिक्का होता है वो इतना इजीली नहीं मिलता। फिर फाइनली ये सिक्का मैंने किसी ऑथेंटिक कॉइन डीलर से ही परचेज किया था। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं वीडियो के लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन में, जहां हम डिस्कस करते हैं कॉइन्स की करंट एस्टिमेटेड मार्केट प्राइस के बारे में। तो अगर हम बात करें सुभाष चंद्र बोस एरर कॉइन की, जो कि इशू किया गया था 1996 में, ये इशू हुआ था सिर्फ कैलकटा मिंट से। इस कॉइन का आज की डेट में प्राइस है 2500 to 4000 rupees डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। अगर आपके पास ये कॉइन बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, यानी कि यूएनसी स्टेट में है, तो ये कॉइन आपको दिला सकता है 4000 rupees तक। अब हम बात करते हैं नॉर्मल सुभाष चंद्र बोस कॉइन्स की, जो कि इशू किए गए थे 1997 में। ये इशू हुए थे चारों मिंट से, यानी कि बॉम्बे मिंट, कैलकटा मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट। बॉम्बे और कैलकटा मिंट से इशू किए गए कॉइन्स बहुत ही ज्यादा कॉमन है और ये आपको अच्छी क्वालिटी में मिल जाएंगे 10 से 20 रुपए में। हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट से इशू किए गए यही कॉइन्स थोड़े से स्केर्स हैं। इनका आज की डेट में मार्केट प्राइस है 20 rupees to 200 rupees डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। तो ये तो हुई बात सर्कुलेटेड कॉइन्स की। 1997 में इशू किए गए सुभाष चंद्र बोस कॉइन्स प्रूफ सेट्स और यूएनसी सेट्स में भी इशू किए गए, और ये इशू हुए थे कैलकटा मिंट से। प्रूफ सेट का उस टाइम पे इशू प्राइस था 980 rupees, और अगर यही प्रूफ सेट आज के डेट में आपको किसी कलेक्टर से परचेज करना हो तो ये आपको मिलेगा अराउंड 20 to 25,000 का। और यूएनसी सेट्स में इशू किए गए थे 100 rupees, 50 rupees और 10 rupees के कॉइन्स, और उस टाइम पे इस यूएनसी सेट का इशू प्राइस था 620 rupees। और आज की डेट में अगर आपको ये यूएनसी सेट किसी कलेक्टर से परचेज करना हो तो ये मिलेगा आपको 15,000 to 18,000 rupees। तो व्यूअर्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो और कैसी लगी सुभाष चंद्र बोस कॉइन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर पहले से हैं तो बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको मिलते रहे मेरे चैनल रिलेटेड अपडेट्स जल्द से जल्द। और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को मिल पाए इस रेयर सुभाष चंद्र बोस एरर कॉइन की कंप्लीट डिटेल्स। मैं जल्दी अपलोड करूंगा अपना नेक्स्ट चिल्लर वीडियो, सो स्टे ट्यून टू माई चैनल चिल्लर ज्ञान। टिल देन, जय हिंद।